सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। बेसिकली मेरी जो ग्रैंड विटारा है वो मैंने ली थी, ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को लिए हुए, और 6 महीने का एक ओनरशिप रिव्यू तो मैं दूंगा ही दूंगा, बट इस टाइम पे मैं ना आपको एक सिटी ड्राइविंग व्यू देना चाहता हूँ कि गाड़ी सिटी में चलाने में कैसी है। क्योंकि देखो, पेट्रोल कार जो होती है ना, उसको नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि एक नॉर्मल जैसे कार चलती है वो वैसे ही बिहेव करेगी, बट एक CNG गाड़ी जब आप ख़रीदने जाते हैं, वो भी कंपनी फिटेड CNG, जिसमें आप 15 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस केस में क्या होता है कि जब CNG गाड़ियों में आजकल डिमांड इतनी ज़्यादा हो रखी है कि आपको वो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं मिलती है शोरूम में। पर्सनली ये गाड़ी भी मैंने टेस्ट ड्राइव के बिना गाड़ी ली थी, क्योंकि शोरूम पे बुकिंग्स इतनी ज़्यादा हैं, 6-6 महीने की वेटिंग्स हैं, कि आपको कोई टेस्ट ड्राइव यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है कंपनी से। या तो आप किसी नोन टू की कार को ड्राइव कर लो एक बार और आपको तब पता चल जाएगा। तो वही मेरे साथ हुआ था, मेरे ब्रदर के पास हाल ही में, उसने एक महीना पहले ही दिसंबर में उसने गाड़ी ली थी, यही ग्रैंड विटारा डेल्टा CNG, और उसकी मैंने ड्राइव करके देखी थी थोड़ी उसी, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी कि हाँ ठीक है। गाड़ी का जो मैं फर्स्ट इनिशियल टॉर्क की बात करूँ, गाड़ी की ऑन एन एवरेज बात करूँ, तो गाड़ी फीलिंग एक अच्छी दे रही है सड़क पर चलने पर। तो वो चीज़ें देखते हुए मैंने ये गाड़ी बुक कर दी थी, और आज 6 महीने इसको मैं हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर क्लॉक करे हैं 3000 किलोमीटर्स। 3000 किलोमीटर बहुत एन एवरेज रनिंग है अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर आप टैक्सी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे, एक नॉर्मल पर्सन यूज़ कर रहा है ना, तो आप इससे ज़्यादा ये 6 महीने में कोई चला सकता, चलाने को 5-6 हज़ार किलोमीटर भी चला लेगा गाड़ी। बट पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मेरी रनिंग के हिसाब से सिर्फ मैं इसको जो है 3000 किलोमीटर ही क्लॉक कर पाया, और इन 3000 किलोमीटर का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत अमेजिंग है। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ भाई ट्रैफिक सिचुएशन में, जो एक मेजर सिचुएशन होती है गाड़ी को ड्राइव करने के समय, जब आप इस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं, तो एक दिक्कत सबसे बड़ी होती है CNG कार्स के अंदर कि आपको जो लो एंड टॉर्क मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से आपको रेस देनी पड़ती है क्लच उठाते समय। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं, मैं एक बार आपको फ़ोन से भी ये वाला चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि GoPro से प्रॉपरली आपको विजिबल नहीं होगा। अगर आप देखें तो इस टाइम पे मेरा जो पैडल है वो ब्रेक पैडल पे है, मैं इसके साथ सिंक कर दूंगा ये वीडियो। अगर यहाँ नीचे आप देखें तो ये मेरा जो लेग्स हैं वो प्रॉपर इसके अंदर ब्रेक पैडल पे है। मैं यहाँ पे कुछ भी जो है वो यहाँ पे रनिंग नहीं करूँगा एक्सीलेटर की, जस्ट मैंने ब्रेक से पूरा पैर हटा रखा, क्लच के ऊपर ही जो मेरी गाड़ी है वो यहाँ पे चल रही है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि गाड़ी के अंदर इतना लो एंड टॉर्क है कि गाड़ी जो है वो क्लच के ऊपर ही जो है वो प्रॉपरली चल पा रही है सिटी ट्रैफिक के अंदर। अगर आप फिर देखें तो ये मैंने यहाँ पे चलाई और ये प्रॉपर कोई बिना एक्सेलरेशन के ये गाड़ी काफ़ी अच्छा एक सम ऑफ लो एंड टॉर्क जो होता है गाड़ी के अंदर वो अचीव कर लेती है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली आपको देखनी पड़ती हैं CNG गाड़ी लेते हुए। और ग्रैंड विटारा एक 1500 cc का सेगमेंट है, जहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको एक डिसेंट पावर फिगर्स ऑफर करता है CNG के अंदर। और रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो एक जो मेजर कंसर्न था आपका, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया कि आपको लो एंड टॉर्क गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा मिलता है, नीचे डेड पेडल आपको देखने को मिल जाते हैं। CNG की जहाँ तक बात रही, CNG काफ़ी अच्छी माइलेज भी आपको दे रही है, मुझे इन 3000 किलोमीटर्स में इसने काफ़ी अच्छी माइलेज दी है। अगर मैं बात करूँ सिटी ट्रैफिक की माइलेज की, तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा ही बम्पर टू बम्पर है तो फिर आपको ये 20-21-22 की माइलेज देगी, बट अगर ट्रैफिक कंडीशंस ज़्यादा वर्स्ट नहीं है, रनिंग ट्रैफिक है, तो आपको ये 25-26-27 की माइलेज आराम से निकाल के देगी सिटी के अंदर। बट अगर आप हाईवे के ऊपर इस गाड़ी को लेके जाते हैं फुल टैंक CNG करवा कर, तो आपको ये इजीली प्रोवाइड करेगी 35 की माइलेज। रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने इससे पिछली एक वीडियो डाली थी इसकी हाईवे माइलेज टेस्ट की, उसमें अगर मैं बात करूँ तो जो रिजल्ट्स निकल के आए थे वो यही रिजल्ट्स निकल के आए कि मुझे गाड़ी ने अराउंड 30-35 की माइलेज दी हाईवे के ऊपर, जिसके अंदर ये एक टैंक में 220 किलोमीटर चली थी और AC के साथ चली थी। तो रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती हैं चीज़ें, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। फीचर्स की बात करूँ तो यार देखो, फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं इसके अंदर CNG गाड़ी के हिसाब से। इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, LED नहीं मिलते, बट आप LED फॉर श्योर इसको अपग्रेड कर सकते हैं। और 15,36,000 रुपये की मेरे को ये पड़ी थी जनवरी में, और उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ
तो प्राइस पॉइंट भी अच्छा था, मुझे यहाँ पे माइलेज दे रही है ये अच्छी, और यहाँ पे मुझको ड्राइविंग डायनेमिक्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसका एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंजन बहुत पावरफुल है, अगर मैं ज़रा सा इसके अंदर थ्रॉटल देता हूँ तो आप गाड़ी खुद देख सकते हो सीधा भाग रही है, और ब्रेकिंग अच्छी है तो आप रिलाई कर सकते हो ब्रेकिंग के ऊपर। बहुत से केसेस में क्या होता है कि आप गाड़ी चला तो सकते हो तेज, बट गाड़ी की जो ब्रेक्स होती है ना उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि इसके अंदर आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है, तो हैंडलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ज़रा सा आप यहाँ पे हैंडल को इधर से उधर मूव करेंगे, स्टेयरिंग व्हील को बेसिकली, तो यहाँ पे जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। गाड़ी थोड़ी सी बल्की ज़रूर है इन टर्म्स ऑफ, मैं बात करूँ इसके एरिया के, जो इसके अंदर आपको लेंथ मिलती है, चौड़ाई मिलती है गाड़ी की, बट फिर मैं वही कहूँगा कि अंदर आपको उस हिसाब से स्पेस भी देखने को मिलती है, 5 बंदे इजीली बैठ के जाएंगे, और रियलिटी में मैंने 5 बंदे विद लगेज और सिलेंडर पूरा फुल था सीएनजी का चला के देखी है विद एसी, तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी लोड नहीं लिया, और रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो भी नहीं सकती ये गाड़ी के लिए, अगर आपको वो सारे फीचर्स माइलेज डायनेमिक्स दे दे और उसके साथ आपको एक कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी दे। सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का, गाड़ी आपको प्रॉपर एक एसयूवी लुकिंग के साथ आपको एक एसयूवी जैसी गाड़ी का जो फील होता है ना, प्रॉपर ऊंची गाड़ी में बैठे हो आप, वो चीज़ पूरी फील करवाएगी, और ऑफ रोडिंग ट्रैक्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत से लोग पूछते हैं यार आप डेल्टा मॉडल लिया आपने अलॉय व्हील नहीं आते, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, तो मैं ये बता दूं मैंने अलॉय व्हील्स भी इसके अंदर चेंज करवाए थे, 17 इंच के ही टायर्स थे, यहाँ पे मैंने टायर्स चेंज नहीं करवाए। बहुत से लोग टायर्स चेंज करवा के गलती करते हैं कि यार ग्रैंड विटारा में 17 तो आ रहे हैं 18 हम करवा लेते हैं, बट ये गलती पर्सनली मैं कहूँगा मत करना, क्योंकि जो ड्राइविंग डायनामिक्स होते हैं ना, जो स्टेयरिंग व्हील की ग्रिप होती है, गाड़ी की ग्रिपिंग होती है, वो सब खराब हो जाती है। बेटर यही रहेगा कि 17 इंच के अंदर ही या तो कंपनी के अलॉय व्हील या आफ्टर मार्केट कोई भी आपको रेनॉल्ट कंपनी मिलती है, मैं यहाँ पे कंपनीज का नाम नहीं लूँगा, आप वो डलवा सकते हैं इजीली, आपको आराम से मिल जाएंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग भी, तो वो चीज़ें आपके ऊपर हैं, और कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आए हैं। इनफैक्ट माइलेज के अंदर भी मैं बात करूँ या फिर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई स्टेयरिंग व्हील के अंदर कोई जर्क, कुछ ब्रेकिंग इश्यूज, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है मेरे को। ऑलमोस्ट मेरे को इसके अंदर अलॉय व्हील्स डलवाए हुए भी 5 महीने हो चुके हैं, मैंने फर्स्ट सर्विस के बाद ही गाड़ी के अंदर 1 महीना हुआ था और गाड़ी के अंदर मैंने अलॉय व्हील्स डलवा दिए थे, तो मैं कहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी एज सच कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो रेनॉल्ट कंपनी से अच्छी जगह से अलॉय व्हील डलवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी के अंदर। और एक बात वही कहूँगा कि अगर आप गड्ढे के अंदर गाड़ी, बड़े गड्ढे के अंदर गाड़ी लेके जाओगे, चाहे कंपनी वाला अलॉय व्हील भी हो, अलॉय व्हील ब्रेक होगा ही होगा, और वो चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टील व्हील अगर लेके जाओगे तो वो बेंड हो जाएगा, और अगर अलॉय व्हील लेके जाओगे तो वो टूट जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करूँ तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, और अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपको ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ का कोई फीचर नहीं देखने को मिलता, फंक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बेसिक सा है बट अच्छा लगता है देखने में, और स्टेयरिंग व्हील आपको कुछ ऐसा मिलता है सर्कुलर शेप में, डी कट यहाँ पे नहीं मिलता है। ऑल अराउंड मैं बात करूँ तो गाड़ी बहुत प्यारी चलती है, गाड़ी लेना चाहते हो ले लो, सीएनजी के साथ ही लो मैं कहूँगा, पेट्रोल में अगर लोगे तो थोड़ा माइलेज इश्यूज रहेंगे ग्रैंड विटारा के साथ, क्योंकि 10-12 की माइलेज ही दे पाती है ये। अब बहुत से कस्टमर्स बोलेंगे नहीं हमारे तो 14-15 की निकाल रही है, मैंने क्या कहा, अगर आपका ट्रैफिक वाली कंडीशंस में रनिंग ज़्यादा है तो आपको माइलेज नहीं मिलेगी पेट्रोल के अंदर, आपको सीएनजी के अंदर ज़रूर से माइलेज मिल जाएगी बट पेट्रोल के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ों को देखते हुए मैं कहूँगा आप अपने डिसीजंस लीजिए कि आपको पेट्रोल लेनी है या फिर सीएनजी लेनी है। बाकी ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कोई डाउट हो अभी भी तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करो और मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी, तो आप वहाँ जाके पर्सनली क्वेश्चंस कर सकते हो मेरे से। और बाकी इस प्राइस सेगमेंट में बात करूँ तो ये सिर्फ एक एसयूवी बचती है जो सीएनजी में आ रही है आज के टाइम पे, और इसके सेगमेंट पे अभी कोई भी एसयूवी नहीं है जो सीएनजी में भी ऑफ़र हो रही हो और ऐसी ज़बरदस्त माइलेज दे रही हो, ट्यूनिंग दे रही हो, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना और सिर्फ गाड़ी में सीएनजी डलवानी है और गाड़ी को एंजॉय करना है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, साइन ऑफ करते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर से करना, बाकी सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाओ, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जाना ज़रूर से। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।